वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हम बात कर रहे थे कि साइंस क्या कहती है, हम हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं या कार्निवोरस हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम वेजिटेरियन हैं, प्लांट ईटर हैं, या हम नॉनवेज फ्लैश भी खा सकते हैं और प्लांट भी खा सकते हैं, क्या है हम। देखिए, जो कार्निवोरस होते हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो बॉडी लेंथ की 3 times होती है, तो वो लगभग 3 गुना होती है। और जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बॉडी लेंथ की लगभग 10 गुना होती है, 10 गुना से 12 गुना ज़्यादा होती है। अब जब हम ह्यूमन हैं, जो हम इंसान हैं, इनकी भी इंटेस्टाइन की जो लेंथ है लगभग 10 गुनी होती है। जो कार्निवोरस होते हैं नॉन वेजिटेरियन, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, कूलिंग करने के लिए वो पेंटिंग करते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, वो ये करता है क्योंकि उनकी उन्हें पसीना नहीं आता। जबकि जो हर्बीवोरस होते हैं वो अपनी बॉडी को कूलिंग करने के लिए एक मैकेनिज्म है जिससे कि बॉडी, हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है और पसीना आता है हमें, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। तो जानवरों को पसीना नहीं आता, हमें पसीना आता है, यानी कि हम हर्बीवोरस हैं। विटामिन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक एक रोग हो जाता है जो, जिससे हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, गम से ब्लीडिंग आने लगती है, तमाम तरह की चीजें। ये जो विटामिन सी है इसके लिए हम प्लांट पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम जो सिट्रस फ्रूट खाते हैं उससे कहते हैं बहुत विटामिन सी मिलता है, इस तरह की चीजें, मतलब हम प्लांट पर आश्रित हैं। जबकि जो कार्निवोरस होते हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियंस, वो अपना विटामिन सी खुद बनाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो विटामिन सी खुद बनाता है वो अगर मांस खा रहा है तो उसके लिए विटामिन सी उसका शरीर बना रहा है, और हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बना रहा, हम प्लांट पे आश्रित हैं और हम मांस खाना शुरू कर दें, ये प्रॉब्लम आनी जायज। साइंस जो कहता है बायोलॉजिकल डिजाइन के हिसाब से, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो हमारे शरीर का यानी कि स्टमक, वो 25% होता है, जबकि जो कार्निवोरस हैं उनका 60-70% होता है। अब इसका नतीजा क्या होता है, जिनका 60-70% गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो एक बार में ढेर सारा खाना खा सकते हैं और बाद में उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं, यानी कि वो हफ्ते में एक बार भी अगर उन्होंने शिकार किया है तो वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में खा लेंगे और उसको बाद में एक हफ्ते तक पचा सकते हैं। जबकि हर्बीवोरस के साथ ऐसा नहीं है, हमारा खाना रेगुलर डाइजेस्ट होता है, कुछ ही समय में डाइजेस्ट हो जाता है और हमें बार बार खाने की ज़रूरत पड़ती है। आप जानवरों को देखें, जो गाय है, हिरण है, वो चरते रहेंगे, लगातार चरते रहेंगे, क्योंकि उनका जो GI ट्रैक है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो खाएंगे, डाइजेस्ट होगा और उनको दोबारा से भूख लगेगी। तो हमें क्या होता है, हमें डेली भूख लगती है, यानी कि हम क्या हुए, हम हर्बीवोरस हुए। हमारे स्टमक का जो pH है वो लेस एसिडिक होता है, 4 या 5 के करीब होता है विद फूड। जबकि जो कार्निवोरस है, नॉन वेजिटेरियंस है, चूंकि वो मांस खाते हैं तो उनका pH बहुत एसिडिक होता है, 1 या 1 से भी कम होता है, क्योंकि उनका स्टमक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में HCl रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप समझते होंगे, जिससे आपने अपनी टॉयलेट वगैरह कभी साफ की होगी, वो तेजाब उनका स्टमक रिलीज करता है वो मांस को डाइजेस्ट करने के लिए। हमारे शरीर में वो तेजाब नहीं बनता, और हम क्या कर रहे हैं, हम अगर मांस खा रहे हैं और वो तेजाब नहीं है हमारे शरीर में डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो मांस आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में सड़ेगा, और नतीजा क्या होगा, ये जो तमाम तरह की बीमारियां हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, अब कोलेस्ट्रॉल की ही बात कर रहे हैं, जो कार्निवोरस होते हैं उनके शरीर की डिजाइन ऐसी है कि वो, उनकी जो आर्टरीज हैं उसमें ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम ही नहीं सकता, उनके डाइजेस्टिव जूस ऐसे हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देंगे। जबकि जो ह्यूमन है उसमें ये कोलेस्ट्रॉल जमता है। अब कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल से आता है, किसी भी प्लांट में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हम ये जो दूध पी रहे हैं ये भी एनिमल प्रोडक्ट में ही आता है। तो जो वेजिटेरियंस हैं, कुछ लोग जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उसके बाद भी आपको जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट के कारण आई है, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें चूंकि ये एनिमल प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल, हमारा लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और जो लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो कभी जमेगा नहीं,
लेकिन जो हम ऊपर से डाल लेते हैं या एनिमल प्रोडक्ट डालते हैं यही कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लॉकेज का कारण बनता है और हार्ट अटैक का रीजन बनता है। जब हम कुछ खाते हैं तो सलाइवा निकलता है, लार निकलती है। हमारी जो लार होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि हमारे डाइजेशन की प्रोसेस जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं तभी से शुरू हो जाती है। जबकि जो कार्निवोरस होते हैं उनके जो सलाइवा होता है उसमें किसी तरह का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। यानी कि अब साइंस के हिसाब से भी हम देखें तो हम हर्बीवोरस हैं, यानी कि हम लोग प्लांट ईटर हैं और हम बन गए हैं ओमनिवोरस, जिसके कारण ये बीमारियां आई हैं। तो कैसे आप अपने डॉक्टर को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी दवाइयां कम करे और धीरे धीरे बंद कर दे, ये सारी चीजें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग खान पान हमारे दिए हुए नाम एनिमोपैथी के अगले एपिसोड से मैं बताना शुरू करूंगा। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।